हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन में। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूं मिंत्रा से। मैंने स्पोर्ट्स शूज़ की परचेसिंग की थी खुद के लिए और सॉक्स भी मंगाया था मैंने HRX ब्रांड का, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दो बारी उसे यूज़ कर लिया है तो उसकी क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही कम्फर्टेबल, लाइट वेट है और प्राइस वगैरह भी बहुत अफोर्डेबल मुझे मिला था सेल में। तो मैंने सोचा कि उसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप लेना चाहते हैं उसे, अगर आपको पसंद आता है, आप रिव्यू सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाए। तो मैंने दो शूज़ मंगाए थे इस तरह के बॉक्स में, मुझे HRX के इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ था। तो ये है पर्पल कलर में मैंने ये शूज़ मंगाया था। ये अंदर आप देख रहे हैं, ये जो लाइट ग्रीन नियॉन ग्रीन दिख रहा है, कुशनिंग है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। जब आप पहनते हैं इसे, पैर आप जो इसके अंदर डालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये कुशन वाला फील है नीचे की तरफ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कंफर्टेबल है। इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छी है, वॉशेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी ब्रांडिंग दिख जा रही है और इसकी लेस भी बहुत लेंथ वगैरह अच्छी है ताकि आप अच्छे से इसे टाई कर पाएँ। साइड से इसका लुक ऐसा है और ये जो इसका बेस है ना, वाइट कलर में है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, बिल्कुल लगता ही नहीं कि आपने कुछ पैर में पहना। मैंने अभी हाथ पे लिया, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे हाथ पे कुछ है भी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, लाइट वेट है ये और प्राइस वगैरह भी आई थिंक मुझे ये अंडर 800 में रिसीव हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल लगा इसका जो प्राइस है। क्योंकि मैंने पहले इसे जब विशलिस्ट किया था तो ये काफ़ी महंगी थी, 1200 या 1300 की थी, लेकिन जब ऑफर में मैंने इसे लिया तो मुझे अंडर 800 की रिसीव हुई है। ये मुझे बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल और लुक वाइज ही बहुत ही प्रिटी लगती है। ये मैंने मंगाया था और 4 इसका साइज़ था, आई थिंक 4, हाँ UK 4 इसका साइज़ है, तो ये मुझे अच्छे से आ जाती है। इसके बाद मुझे एक और पेयर पसंद आई थी, वो है ये ब्लैक कलर की। ये भी सेम HRX वुमेन शूज़, रनिंग शूज़ है, ये भी स्पोर्ट्स वाली, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई। इसमें ए साइज़ जो है सिर्फ एक ही साइज़ अवेलेबल था उस समय, ये आई थिंक 5 है, और ये वाली जो पर्पल वाली है मुझे 4 अच्छे से आ रही है, और ये जो ब्लैक वाली है ये 5, इसमें जो साइज़ है 5 ये मैंने मंगाया, तो ये मुझे अच्छे से फिट आ रही है। मुझे बहुत लूज़ भी नहीं हो रही, बहुत टाइट भी नहीं हो रही है, और कम्फर्टेबली ये मुझे सॉक्स के साथ वेयर करने में ईजी होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नीचे, इसमें वैसे कुशनिंग नहीं है जैसे पर्पल वाले में थी, बट ये भी कम्फर्टेबल और लाइट वेट है। और इसका आप जो ये सोल है, बेस है जो इसका, ये भी वाइट कलर में है, ये भी बहुत लाइट वेट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई है ब्लैक में, ऐसे ट्रायंगल शेप में, और यहाँ पे आपकी HRX की ब्रांडिंग यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे भी इसके ये वाला जो लूप है अंदर की तरफ, इस पर भी हुई है। इसकी भी लेसेस वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेंथ वगैरह बांधने के लिए बहुत ईजी होती है और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप रनिंग करना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट एंड कंफर्टेबल। ये भी मुझे अंडर 800 में रिसीव, आई थिंक ये 750 या 700 के नियर अबाउट की मुझे मिली थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जब मिली तो मैंने, मुझे दोनों ही लेनी थी क्योंकि इतने ही प्राइस में मैं सिर्फ एक परचेज करने वाली थी और उस सेम प्राइस में मुझे दो दो शूज़ मिल गए, दो दो पेयर मिल गए, तो मैंने दोनों ही मंगा लिए। मैं बहुत ज़्यादा तो जॉगिंग या रनिंग वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने इसे मंगा लिया है। मैं बदल बदल के उसे पहनने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ मुझे HRX की ये सॉक्स भी बहुत पसंद आई थी, इसे भी मैंने एक बार यूज़ करके वॉश कर लिया है। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये ऑरेंज कलर है, ये नियॉन ग्रीन है एंड ये ब्लू कलर की, ये 3 पेयर का सेट था। तो आई थिंक ये 237 या 236 की मुझे मिली थी। तो ये भी टेरी जो होती है, टेरी सॉक्स है ये, टेरी इसका फैब्रिक जो है, टेरी जैसा टॉवल वगैरह होता है उस तरह का है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। और इस तरह के शूज़ के साथ, इस तरह से नियॉन कलर्स के आप जब सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं इसका एक और पेयर मैंने विशलिस्ट करके रखा, मैं उसे भी मंगाने वाली हूँ। जब मैं उसे मंगाऊँगी तो फिर उसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी आपके साथ। फिर मैंने ड्रेस वेरी का भी एक सॉक्स, एक पेयर मंगाया था जिसमें एक ऑरेंज येलो एंड लाइट येलो कह सकते हैं, नियॉन ग्रीन वाला ही शेड है ये। मुझे मैंने सोचा था कि ये आई थिंक ये रेड कलर की है, ये येलो और ये वाली येलो कलर की है, तो थोड़ा सा इस HRX वाले से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट जब मुझे ये रिसीव हुआ तो कलर बिल्कुल सेम ही हो गया दोनों सेट का। तो मुझे उतना, मैं मुझे पसंद नहीं आया, मैं खुश नहीं हुई कलर की वजह से। क्वालिटी वगैरह तो अच्छी है इसकी,
ये अभी अनयूज है, ये वाली जो लाइट ग्रीन, नियॉन ग्रीन कह सकते हैं, तो ये वाली जो HRS की थी और ये वाली जो है इसमें बिल्कुल सिमिलर कलर मिल गया मुझे, तो फिर ये नॉन रिटर्नेबल था तो इस वजह से रिटर्न नहीं कर पाया मैंने, तो मुझे मजबूरी में इसे रखना पड़ा। बट मैंने HRS का एक और पेयर का सॉक्स रखा हुआ है जो मल्टी कलर में है, मुझे बहुत पसंद आता है, तो इस वजह से मैं उसे ज़रूर से बाय करूँगी। तो ये था आज का शूज़ का और सॉक्स का मेरी तरफ से रिव्यू, मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि पर्सनली मैंने यूज़ किया है इसे, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ऑसम लगा, मस्ट बाई है। अगर आप लेना चाहते हैं उसे ज़रूर से परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।